think that is more than you have that phone. Yes. Door of support means support actions. Things of support. Door of support. This is about the door of support. You go on. R, X, F, and A. Door of support, R, X, F. Fixed. Lower, hinge of fixed. Fixed. You have to go higher than it. This is the reaction component of pressing the button. Subscribe that thing, you have a vertical or horizontal reaction component. This is the result. Here about vertical reaction lagega. क्योंकि नीचे से आएगा जहां पे हमारा पुशअप हो रहा है वहीं पे रिएक्शन लगता है एक्शन का रिएक्शन ये देखो ये अगर इधर उठा दिया जाएगा तो इधर मूव कर जाएगा ये लगेगा इसी को रोबल कहते हैं ठीक है ये उधर मूव कर जाएगा तो इसमें उधर का रिएक्शन होगा ही नहीं रिएक्शन इसका लगेगा नीचे से इसलिए ऊपर से लग रहा है इसको देखो तो मूव नहीं करेगा हिल जाएगा तब ये ऐसे हो सकता है ये आगे पीछे नहीं हो सकता तो ये यहाँ से उठाया जा सकता है सपोर्ट को नहीं उठाया जा सकता तो इसका मतलब ये उधर का भी लगेगा उधर का भी लगेगा तो इसमें एक और दो दोनों लगेंगे ठीक है ये आपका तीसरा है फिक्स सपोर्ट फिक्स है कोई चीज तो उसमें तीन चीजें लगती हैं एक आपका ये सपोर्ट लगेगा एक ये और एक मोमेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट वर्टिकल सपोर्ट और मोमेंट तीन लगते हैं इनके रिएक्शन कंपोनेंट होते हैं रिएक्शन कंपोनेंट कहते हैं आर एच एफ आर वन टू थ्री ठीक है ये आपकी हो गए रिएक्शन कंपोनेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट हमारे सपोर्ट तीन टाइप के होते हैं अब आता है इक्विलिब्रियम कंडीशन तब हम बताए थे इक्विलिब्रियम कंडीशन जो स्मार आर कहते हैं और ये हमेशा तीन होती है इक्विलिब्रियम हमेशा तीन होती है स्मार आर से रिवर्ट करते हैं इसको वेक्टर आर से रिवर्ट करते हैं रिएक्शन कंपोनेंट ये हमारा रिएक्शन कंपोनेंट है ठीक है इसी को हम काउंट करके वन टू थ्री लिखते हैं और ये रिएक्शन है कैपिटल आर और ये स्मॉल आर से जो करते हैं कुछ कंडीशन ये हमेशा होती है कौन कौन सी होती है कंपनी ने बताया था समेशन एच इज इक्वल टू जीरो समेशन बी इज इक्वल टू जीरो समेशन एन इज इक्वल टू जीरो हॉरिजॉन्टल पे रहने वाले सारे फोर्सों का इक्वल टू जीरो होना चाहिए कहने का मतलब कि अगर इधर से जितना फोर्स लग रहा है उतना फोर्स उधर से लगना चाहिए तो जीरो हो जाएगा यही वर्टिकल नीचे से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर से लगना चाहिए उसका योग जीरो होना चाहिए अगर अपोजिट साइड में जा रहे हैं तो निगेटिव हो जाएगा माइनस मार्किंग हो जाएगी माइनस हो जाएगा अगर एक साइड में जा रहे हैं तो दोनों जुट जाएंगे अपोजिट हो गए तो दोनों एक दूसरे में घट जाएंगे ऐसे होता है यही मोमेंट सारे चीजों का मोमेंट जीरो होना चाहिए मोमेंट जब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट आपने निकाला होगा तब भी उसको जीरो ही रखते हैं मोमेंट इज इक्वल टू जीरो तब इसको